सबसे ज्यादा जो फेवरेट लगा ये डोरेमोन का ही इरेजर लगा यहाँ पर। ओ माय गॉड, इसकी गर्दन भी अलग हो चुकी है यहाँ पर, देखिए। वाओ गाइस, यहाँ पर देखिए मिकी माउस का इरेजर आ चुका है। ओ इसके सूज भी ओपन होते हैं यहाँ पर, देखिए कितने प्यारे सूज लग रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक आज की धमाकेदार यूनिक वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर इरेजर प्लस यहाँ पर शार्पनर कलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इरेजर हो जाता है गाइस, करेक्टर इरेजर हो जाते हैं मेरे पास। यहाँ पर देखिए बादल शेड वाला इरेजर हो जाता है, अप्सरा के तरफ से आने वाला, डोम्स के तरफ से आने वाला। यहाँ पर काफी सारे कंपनी के यहाँ पर इरेजर्स एंड शार्पनर का यूनिक कलेक्शन में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस वाले कोने से, देखिए काफी मजेदार यूनिकॉर्न के तरफ से आने वाला करेक्टर इरेजर्स हो जाता है गाइस, देखिए काफी चमकदार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इरेजर हो जाता है, इससे आप पेंसिल से लिखा हुआ मिटा सकते हैं। उसकी ये पूछ दी गई है यहाँ पर, एकदम करेक्टर में बिठा दिया। जिसे यूनिकॉर्न पसंद है वो इस पर जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसका हेड जो है ये खुल भी जाता है यहाँ पर, देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार। कौन इन्हें मिटाना चाहेगा, मैं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो इसको अपनी डेस्क पर सजाकर एकदम ऐसे इस तरीके से रख लेता। आप कमेंट कर जरूर बताना आप क्या करते अगर आपके पास ऐसा इरेजर होता तो। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक पोगोमेन का इरेजर मिल चुका है, देखिए काफी मजेदार लग रहा है गाइस। ये किसे पसंद है आप कमेंट कर जरूर बताना। यहाँ पर देखिए काफी यूनिक इरेजर हो जाता है पोगो का, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को करेक्ट नाम भी पता नहीं है, आप कमेंट कर जरूर बताना। इसके पीछे से एक होल दिया हुआ है, पता नहीं किस वजह से दिया हुआ है, शायद ये स्टैंड करने के लिए, शायद हाँ शायद ये गाइस यहाँ पर जो पीछे होल दिया हुआ है इसमें आप अपनी पेंसिल से इसको फंसा सकते हो और अपना इरेजर बना सकते हो। तो देखिए काफी यूनिक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इरेजर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ओ वाओ गाइस, यहाँ पर देखिए मिकी माउस का इरेजर आ चुका है। ओ इसके सूज भी ओपन होते हैं यहाँ पर, देखिए कितने प्यारे सूज लग रहे हैं। और जो ये शू है गाइस ये भी एक इरेजर हो जाता है, इससे भी आप इरेज कर सकते हो कुछ भी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर इसका ये मुंह भी यहाँ पर एकदम सा निकल जाता है, देखिए काफी मजेदार लग रहा है गाइस। यहाँ पर देखिए काफी यूनिक इरेजर हो जाता है। तो गाइस ये था मिकी माउस के तरफ से आने वाला इरेजर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखिए गाइस यहाँ पर, नेक्स्ट गाइस यहाँ पर हो जाता है डोम्स के तरफ से आने वाला यहाँ पर एक शार्पनर प्लस इरेजर हो जाता है गाइस, जिसमें शार्पनर भी दिया हुआ है और इरेजर भी दिया हुआ है। तो गाइस अगर शार्पनर की बात की जाए तो आप यहाँ पर पीछे के साइड से यहाँ पर एक होल दिया हुआ है, इसमें आप अपनी पेंसिल डालकर शार्प कर सकते हो और जो आपका कचरा रहेगा यहाँ आगे स्टोर हो जाएगा, बाद में इसे आप ओपन कर डस्टबिन में पुट कर सकते हो, डाल सकते हो। और आगे के साइड की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर काफी बिग साइज का यहाँ पर एक इरेजर दिया हुआ है, ये देख रहे हो आप, एक इरेजर हो जाता है। तो गाइस ये एक कॉम्बो हो जाता है जिसमें आपको इरेजर प्लस शार्पनर दोनों ही प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइस कमेंट कर बताना कैसा लगा आपको। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बिग साइज ऑफ इरेजर हो जाता है, अप्सरा के तरफ से आने वाला नॉन डस्ट फ्री इरेजर फॉर नेट एंड क्लीनिंग इरेजर, यानी कि ये नॉन डस्ट फ्री हो जाता है और अच्छे से क्लीन करने वाला है। देखिए काफी बिग साइज का है, मेरी पूरी फिंगर के बराबर हो जाता है और थिकनेस भी काफी अच्छी दी गई है। तो गाइस ये था अप्सरा की तरफ से आने वाला यूनिक इरेजर। नेक्स्ट गाइस अगर बात की जाए तो आपके पास आ चुका है एक शार्पनर आ चुका है, जो कि बहुत ही प्यारा शार्पनर है, ये अप्सरा की तरफ से आता है गाइस। यहाँ पर इसमें पीछे के साइड से होल दिया हुआ है, इसमें आप अपनी पेंसिल को डालकर शार्प कर सकते हो और जो आपका कचरा रहेगा आगे स्टोर हो जाएगा, बाद में इजिली ओपन कर डस्टबिन में डाल सकते हो। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर देखते हैं अप्सरा के तरफ से आने वाला लॉन्ग शार्पनर आ जाता है आपके पास एक, और यहाँ पर नॉर्मल शार्पनर हो जाता है, इसमें आप अपनी नॉर्मल पेंसिल को शार्प कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक बादल सा इरेजर आ चुका है, ये आपको काफी यूनिक लगने वाला है, ये एक इरेजर हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है यहाँ से, देखिए काफी यूनिक इरेजर हो जाता है। यहाँ पर काफी सारे पार्ट असेंबल कर इरेजर्स को बनाया गया है, तो काफी यूनिक वीडियो गाइस, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। और देखिए गाइस ये काफी मजेदार यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाला इरेजर हो जाता है, पिंक पिंक सा यहाँ पर यूनिकॉर्न्स के लोगो के साथ। नेक्स्ट गाइस देखते हैं यहाँ पर, देखिए मिनी डोरा का इरेजर आ चुका है, देखिए काफी यूनिक लग रहा है इसकी गर्दन। आई होप नहीं, ये खुल भी जाता होगा शायद, लेकिन हम इसे खोलेंगे नहीं, बिगाड़ेंगे। पीछे के साइड में एक पूछ दी गई है, यहाँ पर इरेजर हो जाता है, देखिए काफी यूनिक लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डोरेमोन का, आपका और मेरा सबका फेवरेट, मुझे तो सबसे ज्यादा जो फेवरेट लगा ये डोरेमोन का ही इरेजर लगा यहाँ पर। ओ माय गॉड, इसकी गर्दन भी अलग हो चुकी है यहाँ पर, देखिए काफी यूनिक लग रहा है गाइस। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर यूनिकॉर्न्स का वापस से आ चुका है, जो सेम एज इट इज
ये था। तो गाइस आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।